एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस को डिपेक्ट करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। ये सुनते ही हजारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग भेज दी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन हजारों पेंटिंग में से जो इस कॉन्टेस्ट के जजेस थे उन्होंने फाइनली 100 पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया और उस 100 पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगा ली। उस एग्जीबिशन में सारे पेंटर्स को तो इनवाइट किया, साथ ही साथ मीडिया वाले भी बैठे हुए थे और मीडिया वालों के साथ हजारों लोगों की भीड़ भी जमा थी, क्योंकि प्राइज अमाउंट इतना बड़ा था तो सबको इंटरेस्ट था ये जानने में कि कौन जीतेगा, कि वो पेंटिंग कैसी होगी और कौन वो पेंटर होगा जिसको इतना बड़ा इनाम मिलेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया। वहाँ पर सारी पेंटिंग्स देखने लायक थी और एक से बढ़कर एक थी। उसमें से कुछ पेंटिंग थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी, जैसे कि एक पेंटिंग थी जहाँ पर एक बिल्कुल साफ पानी की नदी बह रही थी जिसके पीछे कुछ पहाड़ थे, उसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी और पीछे से सनराइज हो रहा था। एक और पेंटिंग थी जहाँ पर पेंटर्स ने पीस को डिपेक्ट किया था, मीन्स एक बिल्कुल पीसफुल लेक थी जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था, इतना शांत कि उसके आसपास में जो कुछ भी है आप उसका रिफ्लेक्शन देख सको बिल्कुल एक मिरर की तरह, और बिल्कुल डार्क आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था। उसके अलावा और एक पेंटिंग थी जिसमें बिल्कुल सफेद बादल थे, नीला आसमान था और बिल्कुल हरी हरी घास थी, यानी कि सारी पेंटिंग ऐसी थी जिसको देखकर मन एकदम से शांत हो जाए। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही टफ था क्योंकि सारी पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी, तो जजेस के लिए शॉर्टलिस्ट करना कि कौन सी पेंटिंग बेस्ट है दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन वो मोमेंट आ ही गया जब जजेस ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और इन सारी पेंटिंग में से एक पेंटिंग सिलेक्ट कर ली और उस पेंटिंग को एक बड़े से कर्टन के पीछे रख दिया। सामने वो सारे पेंटर्स बैठे हुए थे, मीडिया वाले बैठे हुए थे, हजारों लोगों की भीड़ थी, सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी क्योंकि अमाउंट बहुत ही बड़ा था। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा और सामने से सब ने उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा, क्योंकि जो पेंटिंग सिलेक्ट की गई थी वो दूर दूर तक पीस को डिपेक्ट नहीं कर रही थी। तो सबको लगा शायद उस आर्ट गैलरी से कोई मिस्टेक हुई है या जजेस से कोई मिस्टेक हुई है और किसी गलत पेंटिंग को वहाँ पर रख दिया गया है। तो कुछ पेंटर जाकर उस आर्ट गैलरी के ओनर से पूछते हैं कि क्या ये कोई गलती है, गलती से कोई गलत पेंटिंग तो आपने वहाँ पर नहीं रख दी। तो वो आर्ट गैलरी वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक है, जजेस ने इसी पेंटिंग को सिलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज की विनर है। सारे पेंटर्स ये जवाब सुनकर गुस्से से भर गए और सबने मिलकर ये रिवोल्ट कर दिया, और ये देखकर सारे मीडिया वाले अपने अपने जगह से उठकर उस आर्ट गैलरी के ओनर के पास गए और अपने अपने माइक्स उनके मुंह के आगे कर दिए। आर्ट गैलरी के ओनर ने कहा, मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार इस पेंटिंग को आप ध्यान से देखिए, थोड़ा पास से देखिए, शायद आपको ऐसा कुछ नजर आए जो दूर से नजर नहीं आ रहा है। आप सब ने एक चीज तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली कड़क रही है, काले बादल हैं, ये सब तो आपने देख लिया, लेकिन एक चीज नहीं देखी कि इस पेंटिंग में एक घर भी है। उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहाँ पर एक आदमी खड़ा है। ध्यान से जाकर देखिए, वो जो आदमी खड़ा होकर बाहर देख रहा है उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है, और यही है शांति का असली मतलब। शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है इसलिए हम भी शांत है, ये तो टेम्पररी है। असली शांति का मतलब ये है, हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो,
हम अंदर से पूरी तरह से शांत थे, हमारा मन शांत है। क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है, उसको चाहे आप कितनी भी सुंदर सुंदर जगह पर लेकर जाओ, वो वहां पर जाकर भी दुखी ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ से जिसका मन शांत है, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे उसके आसपास में सब कुछ तहस नहस हो रहा हो, तूफान हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा। और यही है शांति का असली मतलब।